तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रणील और आप देख रहे हैं बड़ुन वसूल चैनल। तो दोस्तों, आप जब गूगल को यूज़ करते हैं तो आपके सामने साइन इन का तो एक ऑप्शन आता ही है। अगर आप कोई गूगल का सर्विस यूज़ कर रहे हैं, गूगल ड्राइव, गूगल हैंगआउट्स, गूगल मीट, कोई भी एक साइन इन पेज तो आता ही है। तो साइन इन अब आप कब कर सकते हैं? जब आपका एक अकाउंट होता है, जब आपका किसी चीज़ में अकाउंट होता है तभी तो आप साइन इन कर सकते हो, या फिर आप कैसे साइन इन कर सकते हो। पहले आपको साइन अप, जो कि एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, और फिर आप उसी अकाउंट के क्रेडेंशियल्स देकर उससे में लॉग इन कर सकते हो और उसके सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह आप जब गूगल को भी यूज़ करते हो तो गूगल को यूज़ करते वक्त भी आपका एक अकाउंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। गूगल को यूज़ करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एक गूगल अकाउंट, जो कि जीमेल अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे यूज़ भी कर सकते हैं। और उसके बहुत सारे सर्विसेज के नाम भी मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अगर अच्छे लगते हैं, हमने जितने सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो के बारे में कमेंट भी ज़रूर करना। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने पीसी के स्क्रीन पर, और पहले मैं एक दो बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और फिर आपको ओपन करना होगा एक वेब ब्राउज़र। मैं गूगल क्रोम ही ओपन कर लेता हूँ, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्रोम ही ओपन कीजिए। तो कुछ ही देर में ये ओपन हो जाएगा। ये पहली बार मैं तो अपना पीसी ऑलमोस्ट 2 दिन बाद ओपन कर रहा हूँ, तो ये पहली बार ओपन होने में 5-6 मिनट का टाइम ले लेता है ओपन करने के लिए। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आप इसको 10 सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा गलत बता दिया, ये ओपन हो गया। चलो आ गया। अब गूगल तो ओपन हो गया है, आपको पहले लिखना है google.com। मैंने यहाँ पर सॉरी मैंने यहाँ पर तो गूगल ओपन करके ही रखा है, google.com। अब आप गूगल में आकर इस सर्च बार में लिखिएगा क्रिएटिंग अ न्यू जीमेल अकाउंट। क्रिएटिंग अ जीमेल अकाउंट लिख के यहाँ पर पहला जो लिंक आता है support.google.com, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। अब ये डिस्क्राइब योर इशू नाम का एक पेज ओपन हो जाएगा, और क्रिएट अ जीमेल अकाउंट के नीचे एक बटन आएगा जो कि है क्रिएट एन अकाउंट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब accounts.google.com/signup आएगा, पहले आपको अपना नाम देना पड़ेगा। आपको आपका नाम देना पड़ेगा। मैं दे देता हूँ ऑफिशियल बर्डवन बॉस, मेरा ऑलरेडी एक पर्सनल जीमेल अकाउंट है, ऑफिशियल बर्डवन, सॉरी बर्डवन, और लास्ट नेम में मैं दूंगा बॉस, और यूजर नेम मैं दे देता हूँ ऑफिशियल स्लैश हाइफन बार्डोन बॉस। ओ, ये तो फिर से हाइफन भी नहीं लेगा। तो अब ऑफिशियल बार्डोन बॉस आ गया, और पासवर्ड मैं यहाँ पर एक पासवर्ड दे देता हूँ, तो मैंने पासवर्ड लगा दिया, और फिर नेक्स्ट।
नेक्स्ट कर दिया। अब तो ये सेव ऑप्शन आएगा और मैं एक फ़ोन नंबर भी दे सकता हूँ, मैं मेरा डैड का फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं। ये आपका जो अकाउंट है उसको रिकवर करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल एड्रेस मैं मेरा पर्सनल दे देता हूँ, rudranil1@gmail.com। तो ये सब हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है योर बर्थडे। बर्थडे में आपको आपका जो एज है वही देना है और 13 इयर्स से ऊपर देना है। मेरा एज तो 13 इयर्स के नीचे है और मैं 13 इयर्स के ऊपर दूंगा। मैं मंथ दे देता हूँ मई, डे तो मेरा सब कुछ एक ही रहेगा लेकिन सिर्फ मैं ईयर ही चेंज करूँगा, सिर्फ मैं ईयर ही चेंज करूँगा। हो गया। जेंडर तो मेरा मेल ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, सब कुछ हो गया। अब मेरे जो नंबर है उसमें एक ओटीपी जाएगा जो कि है वन टाइम पासवर्ड जाएगा, लेकिन मेरे रात का फ़ोन अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आप सेंड कर दीजिए और आपके मोबाइल नंबर में आ जाएगा। तो ये सब तो आप नोट नाउ भी कर सकते हो, सेंड कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी जाएगा उस मैसेज को, जो एक एसएमएस भी आ सकता है और ईमेल भी आ सकता है। मैं तो बोलूँगा कि एसएमएस ही आएगा, मैं ये गारंटी दूंगा। और उसमें जो ओटीपी है उसको आपको सेंड में जो एक टेक्स्ट बॉक्स आता है उसमें लिख देना है। और अगर आप नोट नाउ करोगे तो ये प्राइवेसी एंड टर्म्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। सब कुछ आपको एग्री करना है क्योंकि एकदम बिल्कुल सेफ है, गूगल आपको कभी भी हैक नहीं करेगा। तो हो गया, आ गया हमारा ऑफिशियल बर्डन बॉस। ये मैनेज योर इन्फो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी टू मेक योर गूगल वर्क बेटर फॉर यू, आ गया। अब मैं पर्सनल इन्फो खोलूँगा तो ये मेरा जो पर्सनल डिटेल्स है जो मैंने दिया है यहाँ पर, मेरा नेम, मेरा बर्थडे, मेरा जेंडर, मेरा पासवर्ड, मेरा ईमेल, मेरा फ़ोन नंबर, डेटा एंड पर्सनलाइजेशन में ये प्राइवेसी चेकअप। आप तो आपका जो प्राइवेसी चेकअप है ये आपको ले जाएगा, आप अपना डेटा प्राइवेट कर सकते हैं। एक्टिविटी कंट्रोल्स, वेब एंड ऐप एक्टिविटी, जो भी आप अपना सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी पहले आप जब ओपन करोगे तो सिक्योरिटी इश्यूज फाउंड एकदम आएगा। फिर आपको ये सिक्योर अकाउंट करना है और आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है, उसमें एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप अगर डाल दोगे तो आपका ये जो अकाउंट है ये सिक्योर हो जाएगा। अगर नहीं करते तब भी होगा। और पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, ये क्या है? अगर आप गूगल पे से कोई भी दुकान या फिर कोई भी शॉपिंग करने के बाद अगर आप पे करते हो तो ये यहाँ पर आएगा। और परचेजेस क्या है? सपोज़ आप यूबीसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से या अपकमिंग जो गेम आ रहा है असैसिन्स क्रीड वाला अगर आप परचेस करते हो तो अगर आप गूगल पे से पे कर देते हैं तो यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। और मैं बता दूँ, असैसिन्स क्रीड वल्हाला जिसका रिलीज डेट है 10th November IPL फाइनल के दिन, आप सब लोग ज़रूर खेलिएगा। और इसको फ्री में डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट होता है, जो वेबसाइट मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा फ्री डाउनलोड PC गेम्स, और उस वेबसाइट का लिंक है gamestarspot.com। लेकिन जब ये रिलीज़ होगा 10 नवंबर को जब ये रिलीज़ होगा उसके बाद 4 या 5 मंथ इसको टाइम लगेगा उस फाइल को यहाँ पर लाने के लिए, फिर आप गेम स्टार स्पॉट से सब्सक्रिप्ट वाला इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अब जीमेल में आते हैं। तो ये हो गया माय अकाउंट ऑफिशियल बर्डन बॉस। अब हम एक नया अकाउंट ओपन, अब हम इस पर कैंसिल करेंगे। फिर मैं एक बार जीमेल में लॉगिन करूँगा।
जीमेल में लॉगिन करूंगा और ये मेरा डैड का ईमेल है। अब मैं यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ, यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट। मेरा जो गूगल क्रोम है सब चीज़ों से ही मैंने साइन आउट कर लिया, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से मैं एक बार जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर एक साइन इन पेज तो आएगा ही, ये तो एकदम डिफ़ॉल्ट है, साइन पेज तो आना ही पड़ेगा इसको। आज मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। और पहले accounts.google.com आएगा, ये ऑफिशियल बर्डवन बॉस, ऑफिशियल बर्डवन बॉस मैंने जो अभी अभी ओपन किया, मैंने मेरे दोस्तों ने भी मेरे पीसी से अकाउंट खोले तो उनके भी नाम आएंगे। और पहला अकाउंट है इसीलिए आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा, और अगर आप एक बार दे देते हो और अगर बार बार एक ही accounts.google.com से साइन करते हो तो आपको पासवर्ड नहीं लगेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। पासवर्ड में डाल देता हूँ मैंने जो दिया अभी अभी, नेक्स्ट कर देता हूँ। ये लोडिंग होगा यहाँ पर gmail.com, यहाँ पर वेटिंग फॉर मेल, और ये रहा हमारा लोडिंग जीमेल, थोड़ी देर आ गया। ये रहा मेरा ईमेल, गॉट इट। पहले कुछ टिप्स आपको तो दे ही देगा ये, आप यहाँ पर प्रोफाइल इमेज चेंज कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट्स और मेल्स, यहाँ पर मोबाइल के लिए भी आप जीमेल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप गूगल ड्राइव में फाइल्स भी सेव कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे एक ईमेल लिखना है, ईमेल कैसे लिखते हैं। कंपोज, आपको यहाँ जो कंपोज का जो बटन होता है इसके ऊपर, कंपोज बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है जिस रेसिपिएंट को, यानी कि जिस पर्सन को आप ये ईमेल भेज रहे हो। मैं मेरे पर्सनल ईमेल पे दे देता हूँ, rudranil.gain1@gmail.com, ये है मेरा पर्सनल ईमेल। और सब्जेक्ट वेलकम मैसेज, मैं रुद्रनील को थोड़ा वेलकम करना चाहता हूँ, मैं मुझको ही, मेरे को ही वेलकम करूँगा, वेलकम मैसेज। तो अब कुछ लिख देते हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, अटैच कर सकते हैं फाइल। अटैच क्या होता है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं, लिखने के साथ आप एक फाइल भी ऐड कर देते हैं, फाइल ऐड कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। यहाँ पर इमोजी, इंसर्ट फाइल्स यूजिंग गूगल ड्राइव, अगर आपने कोई गूगल ड्राइव में कोई फाइल अपलोड किया है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इंसर्ट फोटो, फोटो ऐड कर सकते हैं, एक सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, तो ये सब आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हाई वो मैनेज, मैं ये यूट्यूब में लिखता हूँ हाई रुद्रनील लिख के, मैं इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड करते ही सेंडिंग मैसेज सेंट आएगा, और ये जो सेंट सेक्शन है, सेंट सेक्शन में ये आ जाएगा। तो हमने तो सेंड कर दिया, अब मैं इस टैब को क्लोज कर देता हूँ और gmail.com फिर से ओपन कर लेता हूँ। आप उस टैब से ही इस आइकन को क्लिक करके कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा ही ईमेल है, अब मैं रुद्रनील गंजो की है मेरा पर्सनल ईमेल, उसमें मैं साइन इन करूँगा, उसमें मैं साइन इन करूँगा, ठीक है। तो accounts.google.com का पेज तो आएगा ही, मेरा पासवर्ड डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी 2 या 3 बार जीमेल में लॉगिन किया है, तो मेरा पासवर्ड दिया हुआ है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर रीडायरेक्टिंग वाला पेज आ जाएगा, फिर आपको आपका ईमेल यहाँ पर ओपन होगा। तो मैं ऑफिशियल बर्डन बॉस वाला काट देता हूँ, जो था ऑफिशियल बर्डन बॉस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफिशियल बर्डन बॉस से एक मैसेज आया, हाय रुद्रनील वेलकम मैसेज, मैं जो सब्जेक्ट दिया था, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे गूगल ड्राइव में फाइल्स अपलोड करना हो करते हैं आप,
कैसे गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड करते हैं, कर सकते हैं, drive.google.com। ये रहा मेरा ऑफिशियल बर्डन बॉस, जो कि मेरा क्रोम भी ये accounts.google.com में ये जब आप साइन करते हो तो क्रोम में भी साइन इन हो जाता है। रिमेंबर, अब आप जो भी सर्विस यूज़ करोगे, यूट्यूब, ड्राइव, सब में ऑफिशियल बर्डन बॉस ही आएगा। अगर आप साइन आउट करना चाहते हो तो इस ऑफिशियल बर्डन बॉस में करके यहाँ पर साइन आउट कर सकते हो, फिर आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने गूगल ड्राइव के लिए आपको लिखना पड़ता है drive.google.com। आ गया, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अगर आप कोई फाइल ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन पे आकर ये फाइल अपलोड कर सकते हो। फाइल अपलोड से आपका पीसी का कोई फाइल अपलोड होगा। अगर आप डायरेक्टली कोई फाइल यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो अभी अभी, तो आप गूगल डॉक से एक डॉक्यूमेंट लिखकर भी यहाँ पर सेव कर सकते हो। गूगल स्लाइड से आप स्लाइड, प्रेजेंटेशन शीट से एक शीट, और फॉर्म से कोई फॉर्म, या फिर क्विज, आप कोई क्विज भी बना सकते हो। फोल्डर क्या है? फोल्डर एक, जैसे कि ये एक फोल्डर है, मेरा जो सरनेम है ना, सरनेम मेरा जो निकनेम है, इसी नाम से फोल्डर है। इससे इसको आप यहाँ पर अपलोड करते हो तो ये पूरा फोल्डर आ जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं क्या अपलोड करूँ, छोटा मोटा फाइल, ये मैंने जो गेम डेवलप किया है इसको ही मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये लेस देन अ मिनट, लेफ्ट कुछ ही समय लेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट हाई हो चुका है। ठीक है, ये हो गया अपलोड। अब आप इसको, अगर आपने बहुत सारे फाइल्स अपलोड कर लिए हैं और आपको गंदा लग रहा है, तो आप इसको एक फोल्डर बनाकर भी आप सेव कर सकते हैं। एक फोल्डर में भी आप बहुत सारे फाइल्स रख सकते हैं। तो फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, ये न्यू, अब यहाँ पर जो फोल्डर है, फोल्डर अपलोड नहीं, फोल्डर, फोल्डर में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोल्डर दे देना होता है, फोल्डर का नाम देना होता है ट्यूटोरियल फोल्डर फॉर यूट्यूब। अब मैं कस्टम नेम दे देता हूँ आप लोगों के लिए ही, तो ट्यूटोरियल फोल्डर फॉर यूट्यूब। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। अब आप इसको चाहते हैं कि ये ट्यूटोरियल फोल्डर फॉर यूट्यूब में मूव करें, तो ये कैसे कर सकते हैं? पहले फाइल में आइए, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, अब मूव टू कर दीजिए, मूव टू, फिर आप इस फोल्डर में आकर यहां पर दे दीजिए। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ ड्रैग करना है और फिर इसमें दे देना है। मुझसे थोड़ा गलती हो गई, इसके लिए माफ कर दीजिएगा। अब हमारा यहाँ पर आ गया। अगर आप दूसरे वाले इंटरफेस जो कि होम स्क्रीन में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर माई ड्राइव पर क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग सब कुछ समझ चुके हैं, कैसे करना है, कैसे करते हैं सब कुछ। ठीक है, सब कुछ हो गया, गूगल ड्राइव, फिर ये जीमेल, जो जो मेन है, गूगल ड्राइव और जीमेल मेल है, मेन है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ये तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।